ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सॉल्व करवाएंगे पेपर, उसमें एक पार्ट है। एक्चुअली मैंने एक आइसोमेट्रिक का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया था, बट एक दो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर और भी बताइए आइसोमेट्रिक का। तो अभी ये 2018 का पेपर है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है एक, यहाँ पर देखिए नीचे ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया हुआ है, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक आप सॉरी आइसोमेट्रिक व्यू दिया है। इसमें आप जानते हैं आइसोमेट्रिक में प्लान फ्रंट साइड होता है, तो इसके अकॉर्डिंग है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको ऑर्थोग्राफिक इसका कैसे बनेगा वो चीज़ इस वीडियो में आपको ड्रॉ करके बताएंगे। तो वीडियो को ड्रॉ करने से पहले अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वीडियो पर अगर आप देख रहे हैं हमारे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आईटीआई के लिए डेडिकेटेड चैनल है। आईटीआई की सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, उसकी कोई अपडेट हो, थ्योरी हो, इम्प्लाइबिलिटी हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इस टाइप की वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एनसीबीटी का कोई फॉर्म वगैरह सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या लिख रखा है, ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है आपको किसमें खींचना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में खींचना है ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू विभिन्न बिंदु। जो नीचे आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है इसका आपको थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन खींचना है, कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पिछली बार जो कराया था उसमें इसने बोला ही नहीं था कि कौन से प्रोजेक्शन में खींचना है, कौन से एंगल में खींचना है। ठीक है, तो जब नहीं बोला होता तब भी हम किसमें बनाते हैं, थर्ड एंगल में बनाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर एग्जाम में ये होता भी है कि फर्स्ट एंगल, तो अभी तक मैंने देखा नहीं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आता भी हो। जब भी एग्जाम में आता है हमेशा थर्ड एंगल वाला ही आता है। इसमें देखिए दे भी रखा है आपको खींचना क्या क्या है, फ्रंट व्यू, लुकिंग और साइड व्यू और प्लान। प्लान आपका जो है टॉप व्यू को कह रहा है। ठीक है, फ्रंट व्यू को इलिवेशन भी बोला जाता है और साइड व्यू, साइड व्यू भी रहेगा, प्लान को जो है टॉप व्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन देखने से पहले, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको ड्राइंग शीट पर ये काम कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सबसे पहले ड्राइंग शीट पे हमें क्या करना है, दो आपको लाइनें ड्रा करनी है, एक्सिस बनानी है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस। ये दोनों लाइनें बिल्कुल डार्क होनी चाहिए, दोनों लाइनें कैसी होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है मैंने आपको पहले भी इसके पहले वीडियो में बता रखा है, आपको नंबर अच्छे चाहिए तो ये तरीका आपको अपनाना होगा। दो डार्क लाइनें हो गई बिल्कुल डार्क, उसके बाद 10 mm इधर गैप छोड़ के एक वर्टिकल लाइन, फिर 10 mm इधर गैप छोड़ के एक वर्टिकल लाइन, फिर 10 mm नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर 10 mm ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे। ये हल्की लाइनें होती हैं, इन्हीं पे हम क्या करते हैं, ड्राइंग को ड्रा करते हैं। तो कुछ लोग कह रहे थे सर हमारे यहाँ तो 5 mm बताया गया है, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 mm या 10 mm आपकी जो मर्जी आप उतना छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऊपर कितना करना है ये हमने इस पर सेट कर लिया, ऊपर एक पे लिखा ना 10 mm इधर और 10 mm इधर हो जाएगा। तो 10 mm ऊपर हमने निशान लगा लिया और 10 mm नीचे निशान लगा लिया। अब दोनों लाइनों को हम ड्रॉ कर देंगे। ये लाइनें कैसी होनी चाहिए, ये लाइन बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। ये लाइन हम हल्की खींचेंगे। ठीक है, ऐसे ही 10 mm ऊपर भी। हो गया आपका, फिर अब 10 mm इधर और 10 mm उधर दोनों साइड में इस पे लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने सेट किया, 10 mm इधर निशान लगा लिया और 10 mm इधर निशान लगा लिया। ठीक है, वर्टिकल लाइन खींच देंगे। दस में हम इधर इतना काम करने के बाद अब हम ड्राइंग में देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या आया हुआ, कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला इतना काम है जो आप अपने कॉपी पे कर लेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पेपर में क्या आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसे मैं फोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा। सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट के बाद हमें टॉप बनाया जाता है, टॉप के बाद साइड बनाते हैं, रूल हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रंट बनाएंगे, फ्रंट में देखते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, इधर से आप फ्रंट देखेंगे, सामने से आपको दिखेगा, तो ये फ्रंट वाला हिस्सा, तो इधर से देखने पे हमें जो जो चीज़ें दिखाई देंगी उसको हम बनाएंगे। इसकी चौड़ाई कितनी है, अब नीचे तो पता नहीं चल रहा है, 15 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ऊपर देखेंगे तो ऊपर दिखा रखा है ना, यहाँ से कितना है, 50 है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ 50 है तो ये नीचे भी क्या होगा, 50 होगा, सेम वही हिस्सा रहेगा, तो इसका मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, टोटल 50 है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि आप बनाओगे भाई तो ये ऊंचाई आएगी ना, फ्रंट से क्या दिखेगा, ये चौड़ाई दिखेगी, लंबाई दिखेगी आपकी और ये ऊंचाई दिखेगी।
तो ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई 50 हो गया और ऊंचाई 40 दे रखा है, 40 तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 40 है। ठीक है, तो वही करते हैं हम यहाँ पे अपनी कॉपी पे क्या करेंगे, अब फ्रंट व्यू कहाँ बनाते हैं, सॉरी अब इसके बाद हमें देखना पड़ेगा ना कि कहाँ फ्रंट बनाए, कहाँ टॉप, कहाँ साइड। तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो चीज़ें जहाँ दी होती वहीं बना देते हैं, जो चीज़ें जहाँ दी हुई, मतलब जैसे मान लीजिए आप इसके सामने बैठे हुए, तो मेरे जो बायां हाथ है, बायां हाथ के सामने क्या आ रहा है, फ्रंट व्यू आ रहा है, और दाहिने हाथ के सामने साइड व्यू आ रहा है, और जो टॉप व्यू कहाँ ऊपर है। ठीक है, तो थर्ड एंगल में जो जहाँ होता है वहीं बना देते हैं, और फर्स्ट एंगल में उल्टा करते हैं उसका। ठीक है, तो थर्ड एंगल बनाने का जो जहाँ होगा वहीं बनाएंगे, मतलब फ्रंट किधर है, बाएं वाले हाथ के साइड में है और नीचे है। ठीक है, इस टाइप से बनाया जाता है। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखो, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि कैसे कहाँ बनता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा फ्रंट भी बाएं साइड नीचे हो जाएगा, और जो साइड भी हो क्या, वो दाहिने साइड नीचे है, तो इसमें भी हमारा दाहिने साइड नीचे की साइड बन जाएगा। टॉप व्यू कहाँ है, ऊपर है, तो हम ऊपर बनाएंगे, अब इधर बनाए हैं इधर, तो मैं आपको बताया था कि वो हमेशा फ्रंट व्यू के साथ टॉप व्यू बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्या हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, 40 दे रखी है, तो पहले इस वाली लाइन पे 40 नीचे आएंगे, 40 दे रखा है उसकी चौड़ाई, तो इस वाली लाइन पे हम कितना खींचेंगे, 40 खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू किया हमने और यहाँ तक कितना, 40 तक। ठीक है, हो गया। अब इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी थी, 50 दे रखी थी, 50 चौड़ाई है, सॉरी लंबाई है, ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई का, 50 कितनी लंबाई है, तो इसकी लंबाई 50 ले लेंगे, लेते हैं। ठीक है, 50 ले लिया हमने। उसके बाद क्या है, इधर देख रहे होंगे आप, 40 नीचे आया हुआ है, तो हम भी इधर 40 नीचे आ जाएंगे। आपको बिल्कुल वर्टिकल खींचना, अगर थोड़ी भी तिरछी होगी तो फिर आपकी ड्राइंग सही नहीं बनेगी। 40 नीचे आ गया, ठीक है, इधर भी 40 नीचे आए हुए थे। अब ये कितना गया हुआ आपका, 15 देख रहे होंगे ना, कितना इधर है, 15 आया हुआ है, तो ठीक है 15 अंदर की साइड आ जाते हैं। देखिए ऑटोमेटिक 50 है आपका, 15 कितना आ जाएंगे, अंदर की साइड में आ जाएंगे। ठीक है, 15 आने के बाद ये कितना ऊपर गया है, पूरा ऊपर तक गया हुआ है, ब्लॉक बना हुआ है, ए ब्लॉक आपको सामने दिखाई दे रहा हो ना, ए 15 और ये पूरा ऊपर तक जाके मिला हुआ है। ठीक है, 40 वाले हिस्से तो किसी भी हम क्या करें, पूरा स्ट्रेट ऊपर मिला देंगे, ये डायरेक्ट मिला लीजिए, या चाहिए इधर भी 15 निशान लगा लीजिए, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए 15 पे है, इस वाले को 15 पे मिला देंगे। ठीक है, 15 चौड़ाई के ऊपर चला गया। फिर देखिए इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको दिख रहा होगा इस साइड जो है, ये वाली जो लाइन है, अगर आप दूर से देखेंगे तो ये आपको कहाँ, यहाँ सीधी दिखाई देगी, अगर आप दूर से देखोगे तो ये लाइन यहाँ अंदर नहीं, मतलब अंदर कोई ब्लॉक जो बना हुआ है, आप दूर से देखोगे तो ये लगेगा कि ये लाइन यहीं से बिल्कुल सीधी आई हुई है, इसीलिए मैं नीचे पूरा ब्लॉक सीधे मिला दूंगा। ठीक है, दरअसल हमें ड्राइंग में क्या करना, इमेजिन करना पड़ता है, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर हम दूर से देखिए तो हमें ब्लॉक कैसा दिखाई देगा, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इतना बन गया। उसके बाद क्या है, अब इधर अभी इस हिस्से को छोड़ते हैं, इस लास्ट वाले में देखें इधर से कितनी चौड़ाई का, 10 mm पे, और हाइट कितनी है टोटल, वही वाली हाइट है सेम जो पहली वाली से, मतलब हाइट 40, 10 mm चौड़ाई का, 40 mm ऊंचाई तक एक ब्लॉक बना हुआ है, तो इस ब्लॉक को बनाते हैं, कितना 10 mm चौड़ाई रहेगा, तो यहाँ से 10 पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, और कितनी ऊंचाई है, 40 है, 40 तो हमने ऑलरेडी खींच रखा पहले से, पूरा बना देंगे। ठीक है, तो इसमें फिगर में से हमने क्या किया, ए वाला हिस्सा बना लिया हमने और ए वाला हिस्सा बना लिया, और ये आपकी सीधी लाइन मिल गई है। ठीक है, अब बचा क्या, बीच में ये जो है, ठीक है, तो यह जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, यह कितना है आपका, ये हमें देखना पड़ेगा कि जो ब्लॉक है ये वाला बीच में, यह कितनी ऊंचाई तक है, ये वाली लाइन यहाँ मिलेगी तो कितना है, तो यहाँ देख रहे होंगे ऊपर से देखा है कि इसकी जो गहराई है कितनी है, ऊपर से 15 है, यहाँ से पता चल रहा है ना, ऊपर से 15 है, यहाँ मैं दिखा रहा था आपको कि ये कितना है, 15 नीचे है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा ब्लॉक डायग्राम थोड़ा जल्दी ड्रा करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिटेल में सुनाऊँ तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं कैसे बनाते हैं, तो मेरी पहली वाली वीडियो जरूर देखें, थोड़ा वहाँ क्लियर आपको समझ में आएगा। तो ये डेप्थ कितनी दे रही, 15, मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना ऊँचा होगा, 40 है, 40 में से दे रखा कितना गहरा है, 15 है, मतलब कितना बच गया, 40 में से 15 जाएगा तो 25 बच जाएगा, मतलब इसकी ऊँचाई यहाँ से यहाँ कितनी है, 25, तो मैं 25 पे एक लाइन सीधे ड्रॉ करूँगा। ठीक है, कितने पे, 25 पे, नीचे से
25 ले लीजिए, ऊपर से 15 ले लीजिए, कुछ भी कर दे, या तो ऊपर से 25 या सॉरी ऊपर से चाहे 15 चाहे नीचे से 25। तो मैं 25 पे निशान लगाया और इस लाइन को मैं यहाँ पे सीधे खींचूंगा। इधर भी 25 पे लगा लेते हैं तो बिल्कुल सीधा आएगा, ठीक है। अब इतना मिल गया। देखिए अब इसके आगे भी, इसके आगे जो होगी हिडन लाइन आएगी। क्यों हिडन लाइन आएगी मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ये जो ब्लॉक है ऊपर आपको हिस्सा दिख रहा है, इसके पीछे जो बना हुआ है ये क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा आखिरी हिस्से तक है। पर जब हम यहाँ सामने से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तो ये दिखाई देगा, लेकिन इसके बाद जो 10 mm जो चौड़ा है ब्लॉक आ जा रहा है, इसके पीछे छुप जा रहा है ना, ये लाइन आ रही है। तो ये मैं लाइन खींचा, जो ये मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक तो आ गई, जो यहाँ से यहाँ तक आई हुई थी ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे भी तो ये लाइन पूरा यहाँ तक आई हुई है। जो स्लॉट कटा हुआ कहाँ तक कटा हुआ है, इसके यहाँ तक कटा हुआ है शुरू से यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ तक तो मैंने दिखा दिया सामने से, पर बाकी हिस्सा कहाँ छुप जा रहा है, इसके पीछे छुप जा रहा है। तो जो छुपा हुआ भाग होता है उसे कैसे दिखाते हैं, हिडन लाइन से दिखाते हैं। तो इसीलिए बाकी इस लाइन को हिडन लाइन डैश डैश के रूप में ऐसे बढ़ा दी जाती है, देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक सीधा। उसके बाद इस वाले ब्लॉक जो हमारा लंबा वाला ब्लॉक था, इसके पीछे 10 mm भाग हमारा छुप गया है, तो उसको इसमें हमने कैसे दिखा दिया, हिडन लाइन के द्वारा दिखा दिया। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया क्या फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू में आते हैं, तो आप जानते हैं टॉप व्यू की जो चौड़ाई होती है सेम यही होती है जो नीचे वाले हमारे फ्रंट व्यू की होती है। तो आप या तो वहाँ से डायरेक्ट नाप लो या इस वाले को ऊपर डायरेक्ट निशान लगा लो, आपको पता चल जाएगा चौड़ाई इतनी है, ठीक है। इसकी जो लंबाई रहेगी यही रहेगी आपकी 50 mm, टॉप व्यू का 50 mm हो गया। और चौड़ाई कितनी है इसकी, 30 mm है। चौड़ाई कितनी है, 30 mm है। तो 30 mm मतलब हम ऊपर जाएंगे इस पर, ठीक है। 30 mm ऊपर जाएंगे, ये हो गया हमारा 30 mm, ठीक है। और चौड़ाई सॉरी लंबाई कितनी थी, 50 थी। ये वाला पहले ऊपर वाला जो मेन हिस्सा में टॉपी का दिख रहा है इसको बनाते हैं, ये दिख रहा है ना टॉपी का। तो यहाँ से यहाँ चौड़ाई 30 थी, इसको मैं बना लेता हूँ कितना 50 mm। चलो ठीक है 50 चला जाता हूँ अंदर, ये हो गया हमारा 50 mm, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ 50 है, फिर यहाँ से अंदर कितना 30 आया हुआ है, तो हम भी 30 आ जाएंगे, ठीक है 30 आ गया आपका। उसके बाद क्या है, देखिए इतना अंदर आया ना, सेम जैसे जैसे बना वही बनाएंगे। ये वाला लाइन मैंने खींच लिया, अब ये वाली लाइन खींच ली, अब ये लाइन, ये लाइन कितनी है, तो नीचे देखेंगे तो पता चलेगा 15 है, ये वाली लाइन 15 है, तो 15 अंदर जाएंगे, ठीक है 15 अंदर आ गए। फिर क्या है, ये लाइन इतनी अंदर गई हुई है, कितना अंदर गया हुआ है, तो यहाँ से पता चलेगा आपको, ये देखिए ये कितना 10 है। टोटल चौड़ाई कितनी थी, 30 है। टोटल चौड़ाई हमारी यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, 30 दे रखी है। ये 10 का हो गया, ये स्लॉट 10 का हो गया, तो ये कितने का बच गया, 10 का बच गया। सीधी सी बात है 10 10 20, यहाँ तक 20, तो ये 10 आपका और बच गया। तो क्या है कि इसका मतलब ये जो हमारा है इधर कितना गैप है, ये 10 है, तो ये वाला भी हिस्सा कितना गैप होगा, 10 होगा, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, मतलब हमें 20 ऊपर जाना पड़ेगा। मेन काम आपका डायमेंशन पढ़ना है, अगर आप डायमेंशन पढ़ लेंगे कहीं गलती नहीं होगी, और डायमेंशन बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं वो जरूर दिया रहेगा। 20 mm हम ऊपर चले जाएंगे, या ऊपर से आप 10 mm आ जाइए या नीचे से 20 mm चले जाइए, एक ही बात है। उसके बाद क्या, ये वाली लाइन पूरी लास्ट तक आ गई है, ठीक है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, इस वाली लाइन को पूरा लास्ट में जाके मिला देंगे, ठीक है। या तो इधर 10 mm के नीचे पे निशान लगा लेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपकी सीधी लाइन आएगी, गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसे मिला लेते हैं 10 mm, इतना बन गया हमारा टॉप व्यू में। अब ऊपर से क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। उसके बाद जो ये नीचे वाला स्लॉट है ये भी ऊपर से दिखाई देगा, ठीक है। ये इतना दिखाई देगा, और ये जो नीचे वाला स्लॉट है तो ये कितना चौड़ा है, 10 mm चौड़ा है। यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा है, 10 mm का स्लॉट एक और है जो अलग सी पट्टी हमें दिखाई देगी ऊपर से, तो 10 mm का एक और खींच ले रहे हैं। ये हो गया हमारा 10 mm, 10 mm इधर भी निशान लगा लेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपको बनेगा। या फिर अगर आप दोनों सेट स्क्वायर के यूज करते हैं तो आपको इतने निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक स्केल से भी बना सकते हैं ड्राइंग, अगर सेट स्क्वायर दोनों यूज करते हैं तो आपको इतना निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों से कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया है। आप दोनों सेट स्क्वायर के यूज करके कम मार्किंग करके आसानी से ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला बन गया, देखिए ऊपर से ये दिखाई दिया था, इसको मैंने बना दिया, ये वाला स्लॉट दिख रहा था इसको बना दिया। अब क्या दिखाई देगा,
अब एक जो ये छोटा स्क्वायर बस रहा है ये भी दिखाई देगा, ठीक है। ये कहाँ है, तो यह बिल्कुल किनारे है। कितना का स्क्वायर है, तो आप देख रहे होंगे 10 चौड़ा है और 10 लंबा है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, 10 लंबाई और 10 इसकी चौड़ाई भी रहेगी। तो 10 पे निशान लगा लेते हैं, 10 से हमने निशान लगा लिया, नीचे भी लगा लेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा आपका। 10 हमने नीचे लगा लिया, अब इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है, बाकी इसको इधर मिला देंगे। तो आप देख लेंगे हमारा टॉप भी तैयार है। बाकी जो अब बीच में, इसीलिए मैंने हल्की लाइन खिंचवाई थी कि अब जो बीच में हल्की लाइन है उसे क्या करेंगे, उसे मिटा दिया जाएगा। आपका मेन फिगर तैयार है और बीच में जो हल्की लाइन है इसको अब हम मिटा देंगे। फिगर कंप्लीट होने के बाद जो भी अगल बगल जो हल्की लाइनें होती है, फिर बाद में से क्या किया जाता है, मिटा दिया जाता है। बस आपका मेन जो डायग्राम है वही दिखाई देना चाहिए। तो आपका क्या बन गया, टॉप भी बन गया। अब क्या करेंगे, टॉप व्यू की मदद से साइड भी बनाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते समय फ्रंट बनाएंगे, टॉप बनाएंगे, डायरेक्ट यहाँ साइड भी बना देते हैं। लेकिन आपको अगर पूरे नंबर चाहिए अच्छे से, तो आपको डायरेक्ट साइड व्यू नहीं बनाना है, आपको इसकी मदद से साइड व्यू को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ की जाती है, फिर सारी लाइनों का प्रोजेक्शन इस पर डाला जाता है, फिर उस प्रोजेक्शन को नीचे ले आया जाता है, तब बनाया जाता है, तब आपको नंबर बिल्कुल अच्छे मिलेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये आपका एंगल है यहाँ से 45 डिग्री की एक लाइन खींच दो, ठीक है, इस वाले पॉइंट से यहाँ पे रखेंगे, अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखिए, प्रोटेक्टर को बिल्कुल सही से सेट कीजिए, ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, 45 डिग्री 40 45 45 डिग्री एंगल का कोण बनाते हैं, ठीक है, 45 डिग्री का हमारा कोण बनेगा यहाँ से, और जितनी भी लाइनें हैं इन्हें सीधे इनका प्रोजेक्शन इस लाइन पे ड्रॉ कर दिया जाएगा। देखिए ये लाइन है हमारी, इसको मैं सीधे इस पर ड्रॉ करूँगा इसका प्रोजेक्शन, ठीक है, दूसरी जो जितने भी लाइनें मिले, अब एक लाइन यहाँ मिले तो इसका भी प्रोजेक्शन सीधे उस पर ड्रॉ कर देंगे, फिर एक लग कट यहाँ मिल रहा है तो इसका भी प्रोजेक्शन उस पर ड्रॉ कर दिया जाएगा। फिर क्या, लास्ट वाली लाइन है तो लास्ट वाली लाइन के ऑलरेडी यहाँ पे प्रोजेक्शन आपका ड्रॉ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसी को जस्ट नीचे ले आते हैं, बिल्कुल आपका क्या होना चाहिए, वर्टिकली आना चाहिए, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो आपका फिर ड्राइंग सही नहीं बनेगा, या तो फिर आप मतलब डायरेक्ट ड्रॉ कर लीजिए इसको वर्टिकल, या चाहते हैं बिल्कुल सही है तो इस वाली लाइन को क्या करिए, जैसे ये लाइन कितनी पे है, 30 डिग्री पे है, तो हम नीचे भी क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे 30 डिग्री पे निशान लगा लें, ठीक है, 30 डिग्री पे निशान लगा लीजिए और उस लाइन को ऊपर से नीचे ड्रॉ कर दीजिए, क्या आएगा, बिल्कुल वर्टिकल आएगा, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, इस टाइप से ऐसे ही। फिर इस वाली लाइन को मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप चाहो नाप के कर लो, या डायरेक्ट करने का दूसरा तरीका यह है कि सेट स्क्वायर की मदद ले लो, ठीक है, इसको क्या करो नीचे सेट कर लो इस वाली लाइन पे जो आपकी वर्टिकल लाइन है, और इसके ऊपर इसको रखो, तो फिर कोई गलत होने का चांस नहीं है, आपका क्या आएगा, बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींची जाएगी, इसीलिए सेट स्क्वायर का यूज करते हैं। अब आराम से आप इनकी मदद से लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, इसको पकड़ लो, फिर इसको आगे खींचाइए, फिर जहाँ पॉइंट मिले वहाँ ड्रॉ कर लीजिए, तो इसकी मदद से बिल्कुल आसानी से आपका वर्टिकल और बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसकी चौड़ाई कितनी होगी हमारी साइड बी को, तो हमें पता चल गई, देखो यहाँ पे दे रखा है ना 30 दे रखा है, साइड बी की चौड़ाई कितनी, यहाँ जो 30 दिया हुआ है तो 30 ये भी होगा, लेकिन मुझे देखिए नापने की जरूरत नहीं पड़ी, जो मैंने लाइनें ड्रॉ की इन लाइनों ने हमें बता दिया कि इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, 30 रहेगी, जो लाइन आ रही है इसी सीध में, हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे अपना जो हमारा मेन है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो आपका कितना है, देखिए 30 डिग्री आ रहा है, देख रहे हैं ना, तो अपने आप मिलके बिना नापे। उसके बाद क्या करेंगे, अभी साइड बी को देखते हैं, और क्या है ये ऊंचाई कितनी है, तो आपको पता है ऊंचाई कितनी है, 40 डिग्री है, 40, या फिर आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो इसकी भी आपकी चौड़ाई कितनी थी, 40 तो थी, तो सेम वही इसका भी होगा, यहाँ से भी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लीजिए और अपने आप ये लाइन खींच लीजिए, तो आपको ऊंचाई भी मापने की या खोलने की जरूरत नहीं है कि कितनी होनी चाहिए, हम फ्रंट और टॉप की मदद से इसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ढूंढ लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या था, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक चला गया, ये कितना चाहिए अंदर, 30, ठीक है, तो 30 तक अंदर जाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ से लेता हूँ ताकि बिल्कुल सीधी रहे,
और 4 पे मैंने रख रखा है, इसका मतलब 30 अंदर जाने के लिए कितना चाहिए होगा, 7 तक जाना पड़ेगा मुझे, 4 3 7 हो गया आपका। उसके बाद क्या है, यह बिल्कुल ऊपर गया हुआ है, कितना 40 mm, जो ए वाला था वही हाइट ए भी होगा, वही हाइट ए भी होगा, 40 mm मतलब बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में मुझे मैच करा देना इसको, ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन में जाके यहाँ मैच कर जाएगा आपका 40। हो गया, ए वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ए वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ए वाली। उसके बाद क्या है, ये इतना अंदर आया हुआ, कितना अंदर आया है, तो आप यहाँ से मैंने पहले भी बताया था कि ये टोटल 30 है, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये भी कितना होगा, 10 ही होगा, तो 10 mm हमें अंदर आना है। चलिए ठीक है, 10 mm अंदर आते हैं, ये हो गया आपका। उसके बाद नीचे गया हुआ है, कितना नीचे गया है, 15 mm देखेंगे, तो 10 अंदर आके फिर 15 mm नीचे गया हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, 15 mm नीचे चले जाएंगे, कितना नीचे जाना है, सही से सेट करते हैं 15, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 15 mm नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या, 15 नीचे आने के बाद 10 अंदर की तरफ, 15 नीचे आ गए, फिर क्या हुआ है, 10 अंदर गया हुआ है, तो फिर हम भी 10 अंदर चले जाएंगे। जैसे जैसे फिगर में बनाया हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट, वैसे वैसे आप काम करते जाओगे, आपका बिल्कुल आसानी से फिगर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, 10 अंदर हो गया। फिर क्या, फिर ऊपर चला गया, कितना ऊपर जाएगा, वही 15 वाली हाइट, मतलब वापस हम उसी लाइन में ले जाके इसको मिला देंगे, ठीक है, ये लाइन बस ये ध्यान रखना है, बिल्कुल ये सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल ऊपर ले जाके उसी पे मिला देंगे। मैच कराने के बाद फिर वही है, ये वाली लाइन इसमें टच करके कितना, 10 mm वाली, तो उसी में हम इसको भी मैच करा देंगे, देख रहे होंगे साइड भी हमारा क्या इतना लाइन बन गया, ये वाली जो मेन हिस्सा थी वो हमने बना लिया यहाँ से यहाँ तक। अब बचा गया, अब बीच में जो खाली स्थान है, तो हमें खाली स्थान नहीं दिखेगा, क्योंकि जब आप दूर से देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे है, ये भी तो जो इस 10 mm का जो स्लॉट है ये तो है, तो ये वाला भी हमें दूर से इस टाइप से पूरा भरा हुआ दिखेगा दूर से, ठीक है, तो ये वाली लाइन मतलब इसमें आके, ये वाली लाइन इसमें आके मैच कर जाएगी, मतलब ये जो बीच वाली भी गैप है क्या होगा आपका बंद आ जाएगा, दूर से देखने में लगेगा कि यह पूरा एक ही बराबर है, ठीक है, इस टाइप से दिखेगा, ठीक है, ठीक है। अब इतना तैयार हो गया, अब क्या रह गया, अब आप देख रहे होंगे हिडन लाइन इसमें भी तो है, जैसे टॉप व्यू से सारी चीज़ें मुझे दिख रही, कुछ छुप नहीं रहा था, फ्रंट व्यू से मुझे क्या छुपा हुआ दिखा था, उसमें दिख रहा था कि जो ई वाला लाइन है पूरा भरा हुआ नहीं है, ये तो पूरा भरा हुआ था, पर इसके पीछे गैप था, तो उसको हमने यहाँ पे हिडन लाइन के द्वारा इस फिगर में दिखाया था आपको, ठीक है, फिगर में मैंने आपको हिडन लाइन के द्वारा फिगर में दिखा दी थी कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे छुप जा रहा है। तो वैसे ही अब साइड व्यू में आइए, तो साइड व्यू में देख रहे हैं ये वाला हिस्सा पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब ये वाला भी पूरा देख रहा था, इसमें कुछ छुप तो रहा नहीं था, ये जो कटा हुआ भाग था सामने से दिख गया, ठीक है, कंप्लीट है, लेकिन जो 10 mm चौड़ा भाग है इसके पीछे क्या आपका ये स्लॉट कटा हुआ है ना, ये पूरा भरा हुआ तो है ना, इधर वाले में क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर भरा हुआ है, ठीक है, पर इधर वाले में क्या है कि यहाँ पे इतना भाग बना हुआ, फिर बीच में स्लॉट है, फिर भाग बना हुआ, मतलब बीच में क्या पीछे हिस्सा खाली है, स्लॉट बना हुआ है हमें पता है, ठीक है, लेकिन इधर से देखेंगे तो दिखेगा नहीं, इसके पीछे छुप जाएगा, तो उसे हिडन लाइन के द्वारा हमें दिखाना पड़ेगा, तो कितना स्लॉट है, तो आप देख लेंगे स्लॉट की चौड़ाई कितनी है, तो ये 10 था या 10 था, स्लॉट की चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, 10 mm हो जाएगी, ठीक है, कितनी ऊंचाई रहेगी, तो ऊंचाई पूरी 40 mm तक आएगी, तो चूंकि ये 10 mm, तो आप ये वाली लाइन नापेंगे तो कितना होगा, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ 10 mm ही है, ठीक है, तो ये चूंकि पूरी लाइन हो गई है, तो हम इसमें तो हिडन लाइन दिखा नहीं सकते, पर बाकी जो हिस्सा बचा हुआ है वहाँ पे हिडन लाइन के द्वारा हिडन लाइन खींच देंगे, जिससे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इसके पीछे क्या है, स्लॉट कटा हुआ है। अब जाके हमारा जो फिगर पूरा कंप्लीट हुआ, अब इसमें लास्ट में क्या करते हैं, डायमेंशनिंग दिखा दी जाती है, तो अगर मैं डायमेंशनिंग आपको दिखाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, सारी डायमेंशन अगर मैं दिखाने के चक्कर में पड़ूँ तो आपको टाइम लग जाएगा, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कैसे डायमेंशन दिखाना है, तो इसके लिए आप पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा दिखा रखा है कि आपको डायमेंशन कैसे दिखाना है और कैसे दिखाएंगे तो आपको सही नंबर मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से पहले क्या करते हैं, एक्सटेंशन लाइन खींचा जाता है, और उसके बाद फिर एरो बना के इस पर जैसे कितना था आपकी 50 थी, तो 50 दिखा दी जाएगी, ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे इधर भी दिखाना हो तो फिर पहले क्या, स्केल की मदद से दो एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे लाइनें खींच के, और उसके बाद फिर इधर भी क्या है 30 40 जो भी एरो बनाओ, 30 40 जो भी है, मान लीजिए कितना 40 तो शायद, तो 40 दिखा देंगे जो भी हो, ठीक है, तो इस टाइप से दिखा, हर जगह यहाँ पे mm या सेंटीमीटर यहाँ कुछ भी नहीं लिखते हैं, आपको ध्यान देना है, सिर्फ 50 40 जो भी डायमेंशन है वो लिखा जाता है, इसके साथ में mm या सेंटीमीटर नहीं लगाते, लास्ट में ड्राॅइंग के नीचे लिख दिया जाता है कि ऑल डायमेंशंस, ऑल डायमेंशंस आर इन
एमएम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये भी लिखते समय ध्यान रखते हैं कि जो यह है ये बीच वाली जो लाइन थी हमारे, इसके आधा इधर है और आधा इधर है, एक लगभग बीचों बीच एक तरह से लिखा जाता है, बीच बीच, ठीक है, बिल्कुल बीच में लिखते हैं। बाकी सारी डायमेंशन आप इसकी भी डायमेंशन दिखाओगे और इस साइड भी की भी डायमेंशन दिखाओगे और इनके यहाँ लिखोगे कि यह आपका क्या है, यह आपका फ्रंट था, यह आपका क्या था, टॉप था, और यह आपका साइड था, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। डायमेंशन दिखाने के साथ साथ ये चीज़ें लिखनी भी पड़ेगी। और लास्ट में पहले काम क्या है आपका, इसका सिंबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिंबल बनाने के लिए क्या करते हैं कि जैसे थर्ड एंगल में हमने बना रखा है ना, तो थर्ड एंगल का सिंबल बनाएंगे। फर्स्ट एंगल होता तो फर्स्ट एंगल का बनाते हैं, तो थर्ड एंगल का सिंबल कैसे बनाते हैं, कंपास की मदद से एक सर्कल बनाएंगे, लगभग इसके दुगने डाया का, फिर दूसरा सर्कल बनाएंगे, फिर इस पर सेंटर लाइनें खींच दी जाती है और फिर इधर से सेंटर लाइन खींच दी जाती है, ठीक। उसके बाद क्या था, जो बड़े वाला डायमीटर है इसी डायमीटर का एक जो है आप इधर लाइन खींचोगे और छोटे वाले डायमीटर का, क्योंकि थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो पहले छोटा वाला खींचा जाता है, तो छोटे वाले डायमीटर का एक लाइन खींच लेंगे और फिर एक बड़े वाले डायमीटर का एक लाइन खींच लेंगे, फिर इन्हें आपस में मिला देंगे। इन्हें कैसे बनाना है एग्जैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरा पहला वाला वीडियो देखिए, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल सही तरीके से बताई है कि कैसे इसको दिखाया जाता है। इसको दिखाते समय भी ध्यान रखते हैं कि जो आपका साइड व्यू बना हुआ है, साइड व्यू की जो नीचे वाली लाइन आई हुई है मैक्सिमम यहाँ तक आई हुई ना, तो इसके इधर मतलब ये वाला फिगर इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, और इसकी जो मैक्सिमम चौड़ाई है कहाँ यहाँ तक है ना, इससे ज़्यादा चौड़ा तो आ गया है नहीं, तो इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मतलब यह जो सिंबल हम बना रहे हैं इसकी चौड़ाई की इधर अंदर नहीं जाना चाहिए और इसकी जो लंबाई आई हुई है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, इस कोने में इस सिंबल को ड्रॉ किया जाता है हमेशा, ठीक है। ये नहीं कि सिंबल यहाँ बना दिए यहाँ बना दिए, कहीं भी नहीं बना सकते, इसका रूल है आपको यहीं बनाना पड़ेगा, तब आपकी ड्राइंग सही मानी जाएगी, ठीक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो सही लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें अंदाज़ा लगता है कि जो हम कंटेंट आपको दे रहे हैं वो आपको सही लग रहा है या नहीं लग रहा, उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे वीडियो फिर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही थ्योरी की इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एम्प्लॉयबिलिटी इन सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आपकी जो है हमारे चैनल पर है, तो उनको देखना ना भूलें। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, पुराने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।